आपको आवाज आ रहा होगा, माइक में आवाज आ रहा होगा, काफी ज्यादा क्रिस्पी। तो आज हमारे पीएनजी मोमोज यहाँ पे मैंने ट्राई किए, पनीर फ्राइड मोमोज। आप सच बोलता हूँ अमरावती में इससे अच्छे पनीर फ्राइड मोमोज मैंने आज तक नहीं खाए। इसका टेस्ट काफी बढ़िया था और जो पनीर होता है 3 घंटे मैरिनेट करके रखते हैं, इसका टेस्ट भी काफी बढ़िया आता है। तो चलिए इसकी मेकिंग देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं। तो आज हमारे पीएनजी मोमोज मोमोज ट्राई करने के लिए, और नाम से समझ गया कितनी फेमस प्लेस है। पीएनजी मतलब प्रशांत नगर गार्डन, एंड इसका लोकेशन है प्रशांत नगर गार्डन के जस्ट साइड में। ये बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में और यहाँ का रेट बोर्ड कुछ इस तरह से है, स्टीम पनीर चिकन सारे अवेलेबल है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ के ओनर से बात करते हैं, दुनिया के मोमोज ट्राई करेंगे। तो अभी हमारे साथ यहाँ के ओनर हैं भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष मोहड़। और आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मैंने 1 तारीख को स्टार्ट किया था। अभी किया है? हाँ अभी जस्ट किया है। और क्या क्या मिलते हैं आपने? अपने पास पनीर मोमो, वेज मोमो एंड चिकन मोमो। और भाई अमरावती देख रहे हैं बंदा, उसके बताएं क्या? मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास जो मोमोज मिलते हैं वो अमरावती के टॉप मोमोज है। अगर झूठ लगे तो एक बार आके ट्राई कीजिए, ट्राई करके देखो। यस, क्वांटिटी भी है और क्वालिटी भी है और रेट भी कम है, सस्ता सुंदर टिकाऊ, सब तीनों सबसे बेस्ट है। हाँ तीनों सबसे बेस्ट है। तो सबसे ज़्यादा लोग पसंद क्या आते हैं? चिकन मोमोज, पनीर मोमोज एंड वेज मोमोज, तीनों भी पसंद आते हैं। सभी अच्छा है, सभी अच्छा है। ठीक है, तो अभी ट्राई करेंगे पनीर मोमोज जाके। हाँ स्टार्ट करते हैं बस। नमस्कार दोस्तों, अभी हम पनीर मोमोज ट्राई करेंगे। हमारे यहाँ के मोमो 3 घंटे मैरिनेट होकर आपको दिए जाते हैं, तो लेट्स चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये पनीर मैरिनेट होता है पूरा? यस, 3 घंटे इसको मैरिनेट करते हैं, उसके बाद आप पब्लिक को देते हैं। घर से बना के लाते हैं? घर से बना के लाते हैं, स्टीम करके। स्टीम करके 90% स्टीम करते हैं और 10% फ्राई करते हैं और 10% स्टीम करते हैं। ओके स्टार्ट करते हैं। यस, इसका प्राइस क्या है वैसे? वैसे फुल प्लेट का फ्राई का प्राइस है 80 रुपीज़। हाँ और अगर आप स्टीम करते हो तो 70 रुपीज़, मतलब बहुत सस्ता है। और स्टीम का कितने पीस मिलते हैं हाफ में? स्टीम के हाफ में 4 मिलते हैं और फुल 8 मिलते हैं, उसका भी सेम वैसा ही है। तेल भी एकदम अच्छा यूज़ करते हैं, फल्ली का और सोयाबीन का मिक्स करके, उससे स्वाद अच्छा आता है। अच्छा, दोनों का मिक्स करके? दोनों का मिक्स करके हम तेल बनाते हैं और थोड़ा सा सरसों भी इसमें मिक्स रहता है। तो जो टेस्ट क्या आपने काफ़ी ध्यान रखा है? यस यस यस, क्वालिटी का और टेस्ट का बहुत ध्यान रखा है। इसको निकाल के ऊपर करना पड़ता है ताकि ये क्रिस्पी बने। अच्छा, इसको कंटिन्यू घुमाना पड़ता है? हाँ, इसके थोड़ा सा हवा खाने देना पड़ता है ताकि वो क्रिस्पी हो, नहीं तो क्या हो जाता है? अंदर बाहर करना पड़ता है। हाँ हाँ, ताकि नहीं तो क्या हो जाता है कि ऊपर का पोर्शन क्रिस्पी रह जाता है और अंदर का सॉफ्ट नहीं, मतलब बहुत सॉफ्ट हो जाता है, फिर क्रिस्पी का मज़ा नहीं आता है। डेट्स हम उसको से निकाल के रखते हैं, फिर थोड़ा ठंडा होने देते हैं, देन अंदर एक और बार डालते हैं। तो ये रेडी हो चुके हैं प्लेट में जाने के लिए, इसको सर्व किया जाएगा। हाँ, तो अभी हम इसमें डालेंगे। अच्छा, हाँ, और उसके बाद हम उसको टिश्यू लगाएंगे, मतलब पूरा का पूरा तेल निकल जाए, कस्टमर को ऑयली नहीं देना है। ये हमने लिया टिश्यू पेपर और यहाँ भी हम इसको पोछेंगे। देखो दोस्तों, इसमें का पूरा तेल अब गायब हो चुका है, ज़्यादा इसलिए ज़्यादा ऑयली नहीं लगते हैं, फ्राई करने के बाद भी ऑयली नहीं लगते हैं। अब इसमें हम चाट मसाला डालेंगे, ये डाल दिया, इसको हम घुमाएंगे। साहिल प्लेट लाओ, अभी हम सर्व करेंगे। ये हमारी स्पेशल चटनी है, शेजवान घर पे बनाता हूँ। ये आप खुद बनाते हो? यस। ओके, थैंक यू भैया, वेलकम। तो अभी हमने यहाँ से ऑर्डर किया एक पनीर फ्राई, हम इसको ट्राई करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाफ प्लेट है 45 रुपीज़ का, 4 पीस मिलते हैं, साथ में मेयोनीज़ और शेजवान खुद बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ का क्रिस्पीनेस चेक करते हैं किस तरह से। आपको आवाज़ आ रहा होगा, माइक में आवाज़ आ रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी है, इसको ट्राई करते हैं अब। तो मैंने इसको खोल के देखा नहीं कि पनीर के पीसेस कितने साइज़ के हैं, लेकिन मैं जब मैं खा रहा था तो पनीर के पीसेस में फील हो रहे थे अंदर से, तो आप समझ सकते हो पनीर के पीसेस कितने अच्छे डाले उन्होंने। स्टफिंग काफ़ी अच्छी है और स्वाद काफ़ी अच्छा है इसका, क्रिस्पीनेस तो बहुत ज़्यादा है। तो भाई बहुत अच्छा, अगर आपको खाने हैं पनीर फ्राइड मोमोज क्रिस्पी में तो इस प्लेस को ज़रूर विजिट करना, पीएनजी मोमोज, द पीएनजी मोमोज। इसका लोकेशन प्रशांत नगर गार्डन के बाजू में, आके ज़रूर ट्राई करना। राज के हमारे वो जो ओनर है इस प्लेस के, ये भी काफ़ी अच्छे हैं, फ्रेंडली है, तो आओगे तो इनसे ज़रूर बात करना। तो ठीक है, इसके साथ आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ऐसे वीडियोस के लिए कीप फॉलोइंग माई चैनल। बाय बाय, थैंक यू।
तो एक मोमोज बचा, इसको खोल के देखते हैं, स्टफिंग देखते हैं। इसकी जो लेयर है ये काफ़ी ज़्यादा पतली है एंड स्टफिंग में इसमें भर भर के एंड क्रिस्पीनेस तो भाई पूछो मत। तो ये इसकी स्टफिंग है, पूरा भर के रखा है अंदर से, स्टफिंग से भरा है अंदर से पूरा। पर्सनली बात करूँ, ये प्लेस मुझे काफ़ी पसंद है मोमोज के लिए, मैंने काफ़ी मोमोज खाए, लेकिन PNG मोमोज का मज़ा कुछ अलग ही है। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। अभी यहाँ के वेज स्टीम मोमोज ट्राई करेंगे। यहाँ के वेज मोमोज ग्रीन कलर के होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं। वैसे स्टफिंग पूरी भर भर के, लेयर काफ़ी पतली इसकी, इसको ट्राई करेंगे शेजवान मेयोनीज के साथ। सो इसका टेस्ट काफ़ी सही है, लेयर काफ़ी पतली है, वेजेस की स्टफिंग भर भर के डाली हुई है, तो ओवरऑल इसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ट्राई करना, और हमारे साथ हमारे फॉलोअर हैं, दोनों को इसका टेस्ट काफ़ी पसंद आया, तो ये जरूर ट्राई करना।